अस्सलाम वालेकुम। इस ईद के पुरमसरत मौके पे आप सब लोगों को, पूरी आलम दुनिया को डॉक्टर नवीद अहमद शेख की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। इस ईद के मौके पे कराची जिस तरह के रेन स्टॉर्म्स को फेस कर रहा है और कल जिस तरह की तबाही और अल्लाह माफ करे जो हालात यहाँ कराची में हुए हैं, तो सारी चीजों से हम सब लोग आगाह हैं। तो आज एक नया हमें चैलेंज फेस करना है। वो आज हमारा जो एक नया फेज है वो कुर्बानी का फेज शुरू हो जाएगा। तो हमें सिर्फ मेरी आप लोगों से इतनी इल्तजा है कि जो उसका फाजिल मादा है, जो उसका वेस्ट है, उसको आप एक जो डिस्पोजेबल बैग्स हैं प्लास्टिक बैग्स में डाल के उसको एक अच्छे तरीके से आप डंप करें कि वहां से वो जो है आप लोगों के म्यूनिसिपल कमेटी और उस तरह की जो लोकल बॉडीज है वो उसको वहीं से जो है वो पिक करवा लें। तो काइंडली प्लीज उसको जगह जगह पे ना फेंकें, उसको खड़े हुए पानी के साथ मिक्स ना होने दें, क्योंकि अगर वो वहां मिक्स हो गया तो इस तरह की बीमारियां जन्म लेंगी जो हमारे लिए फेस करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें हमारे जो कम इम्यूनिटी वाले हजरात हैं, जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो प्लीज 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 मेरी आप सब लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपना इनफरादी फर्ज समझकर इसको अंजाम दें और इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए जो ये काम कर रहा है उसको रोकें और आप खुद इस काम से परहेज करें। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस ईद को बड़ी खुशी से मनाएंगे, बारबेक्यू पार्टीज करेंगे, लेकिन प्लीज वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।